हेलो दोस्तों, ये हमारा देसी मुर्गी का फार्म है। ये 200 देसी ओरिजिनल गावटी मुर्गियों का फार्म बना हुआ है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा अपना फार्म अंदर से लेकर बाहर तक। ये यहाँ पर ये स्टैंड लगाया है उन्हें रात को बैठने के लिए, और ये यहाँ पर डब्बे बांधे हुए हैं, इसमें वो अंडे देती हैं। अभी इसमें शायद एक अंडा पड़ा हुआ है, और ये उन्हें जब भी उलटते हैं तो अलग अलग करने के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर दो मुर्गियाँ हमने कुड़क पर लगाई हुई हैं, कुड़क 30 अंडों पर दो मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, आपको हम दिखाएंगे। अभी 2 दिन हुए हैं उन्हें कुड़क पर बिठाए हुए, काफ़ी अच्छी मुर्गियाँ हैं ब्लैक, ये आप देख सकते हो प्योर कुड़क है, आवाज़ निकाल रही है, जिसको ढाँक देते हैं जैसे तैसे। एक इसमें बिठाई हुई है, वो अभी कल बिठाई हुई है, 2 दिन हुए हैं उसको बिठा ले हुए। ये 15 अंडों पर बैठी हुई है, इसको वापस ढाक देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। और दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, तो शायद कुछ दिक्कत भी हो सकती है वीडियो बनाने में, मुझे ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाना नहीं आता है। मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा 200 मुर्गियाँ कैपेसिटी का ये फार्म है, इसमें लाइट फिटिंग भी है। और यहाँ पर हमने, ये हमारे रहने की जगह है, इसमें हम रात में रुकते हैं। और ये प्योर डीसी इनक्यूबेटर है, एक एसी इनक्यूबेटर होता है, एक डीसी। ये 100 अंडों को कैपेसिटी वाला है, इसमें 100 अंडे रख सकते हैं एक बार में। हम देख सकते हैं W1209 का कंट्रोलर लगा हुआ है, और ये इसमें प्योर देसी मुर्गियों की 60 अंडे लगे हुए हैं। अभी बल्ब जलेगा तब आपको अच्छे से दिखा पाएंगे हम। ये बैटरी से चलता है, ये देख लीजिए, और ये बैटरी से चलता है, ये बैटरी लगी हुई हैं। ये चार्जर है, ये दूसरा चार्जर है, ये SMPS का ओरिजिनल चार्जर है, करीब मार्केट में ये 1500 रुपये का मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें ह्यूमिडिटी के लिए ये बना हुआ है, 59% ह्यूमिडिटी है इसमें। और ये हमारे देसी मुर्गा मुर्गी हैं, ये उनका फ्री रेंज एरिया है, ये ग्रीन कलर की पॉली लगी हुई है जिससे वो बाहर नहीं जा पाते। इसमें दाना लगा हुआ है, ये पानी है, सारी मुर्गियां मेरे पास आ रही हैं दौड़ के, उन्हें लग रहा है शायद मैं कुछ उन्हें खिलाऊंगा। और ये हमारा पर्दा है, इसे हमने बहुत जुगाड़ से लगा रखा है, इसमें ये रस्सी बांधी हुई है, इसकी वजह से ये हवा में उड़ता नहीं है। कैसा लगा मेरा फार्म पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।